हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास प्लस टू एक्सरसाइज 7.5 और क्वेश्चन नंबर 8। पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हमें x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो जब भी आपके पास लीनियर फैक्टर्स हों और किसी लीनियर फैक्टर की पावर स्क्वायर होती है तो हम लोग उसे कैसे लिखते हैं? a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर एंड c अपॉन तीसरा फैक्टर या सेकंड फैक्टरी x प्लस 2। एलसीएम ले लेंगे और फिर हमें a, b, c की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मुझे c की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं x की वैल्यू माइनस 2 पुट कर दूंगा, a और b ज़ीरो बन जाएंगे तो c निकल के आ जाएगा माइनस 2 बाई 9। फिर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, x की वैल्यू 1 पुट करने पर मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ 1/3। तो x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, साथ में c और b की वैल्यू भी पुट कर दूंगा ताकि मुझे a की वैल्यू मिल जाए जो आ रही है 2/9। सॉल्व करके अब इंटीग्रेशन मुझे इसकी फाइंड करनी थी तो a की वैल्यू पुट होगी 2/9, b की वैल्यू 1/3 और c की वैल्यू -2/9 पुट कर दी। 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन log x माइनस 1 होता है, 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर है तो पावर एक ऊपर प्लस हो जाएगी और वही सेम नीचे आ जाएगा क्योंकि 2 नीचे है, ऊपर जाके माइनस 2 बनता है और ये भी log x प्लस 2 हो जाएगा। 2/9 log x माइनस 1, ये 1/3 माइनस इधर चला जाएगा और x माइनस 1 डिनोमिनेटर में और 2/9 log x प्लस 2। 2/9 log और 2/9 log इनको इकट्ठा कर लेंगे और ये 1/3 x माइनस 1 और c अलग से है। यहाँ पर 2/9 कॉमन लेंगे तो log m माइनस log n बनेगा जो बाय प्रॉपर्टी m अपॉन n होता है, ये सेम टू सेम और प्लस कॉन्स्टेंट। इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन डन हो गया। थैंक यू।